चलिए किसान दोस्तों, आज पता करते हैं खरबूज को मीठा पता करने की तरकीब। मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, पता करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे पता कर सकते हैं खरबूज पका है या नहीं है, मीठा निकलेगा या नहीं निकलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं खरबूज, इस पर डंठल नहीं है, ये विदाउट डंठल वाले हैं। इनसे डंठल निकला हुआ है, ये सब विदाउट डंठल वाले हैं, ये बेल से छूटे हुए हैं। और ये देखिए सामने आपके दिख रहा है, इस पर डंठल लगा हुआ है, ये देखिए डंठल वाला पार्ट है, और बाकी सभी जो है किसी में भी डंठल नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनमें किसी में डंठल नहीं है, ये सब पके हुए हैं, प्रॉपरली पके हुए हैं, और ये मीठे भी निकलेंगे। और सब में देखिए, ये सारे के सारे केवल यही एक खरबूज ऐसा है जिसमें डंठल है और ये छूटा हुआ नहीं है, इसमें से ये ज़बरदस्ती तोड़ा हुआ है। बाकी सारे आप देख लीजिए, और सारे पीले भी दिखेंगे, और ये डंठल वाला ये भी पीला दिखेगा आपको, मैं भी दिखाऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डंठल वाला पार्ट जो है ये टूट जाना चाहिए, ये साथ में नहीं आना चाहिए खरबूज के, तभी ये खरबूज मीठा निकलेगा। चलिए देखते हैं, मैं देखिए पूरा पीला है खरबूज, और ये डंठल वाला देखिए, डंठल वाला भी पीला है, देख लीजिए, देखिए पीछे से देखिए पूरा पीला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ये पका हुआ है, ये मीठा भी नहीं निकलेगा जब तक सामने से ऊपर वाला जो डंठल वाला पार्ट है ये नहीं छूट जाए ऑटोमेटिकली अपने आप। जैसे आप पकड़ेंगे, बेल से पकड़ने की कोशिश करेंगे, छुटाने की कोशिश करेंगे, तो ये डंठल अपने आप बेल पे लगा रह जाएगा। और जैसा कि आपने देखा, ये सामने विदाउट डंठल के ये आपके हाथ में आ जाना चाहिए, तभी ये पका हुआ रहता है, देखिए विदाउट डंठल के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खरबूज एक बहुत ही पौष्टिक फ्रूट है, फल है, ये हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ाता है, अगर आपकी बढ़ती हुई उम्र को कंट्रोल करता है, हार्ट अटैक में काम आता है, और रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो ये हमारी ब्लड से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उनको ठीक करने में बहुत ही कारगर रहता है। चलिए देखिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सन ऑफ फार्मर को, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा खरबूज मीठा है, आपके सामने काट के देखते हैं और फिर इसको खिलाएंगे, तब पता चलेगा कि कौन सा खरबूज मीठा है। ये डंठल वाला खरबूज काटा जा रहा है, उसको देखिएगा, मीठा है कि नहीं, मुंह से बोल के बताओ, मीठा नहीं है, आप खाओ, मीठा नहीं है, कच्चे जैसा होगा ये, हाँ। चलो अब इसको रख दो, इस वाले को काट के दिखाओ, हाथ में कट दिया, आराम से देखना, इसे खा के देखो, ये अच्छा है, मीठा है, स्वाद कैसा है इसका, आप बताओ खा के कैसा है, ये मीठा है, अच्छा इसकी इसको सूंघ के देखो, इसमें खुशबू कैसी आ रही है, खुशबू कैसी है, देखो खुशबू आ रही है इसमें, ये पहले वाला खाया था उसमें खुशबू है कि नहीं, देखो पहले वाले को उठा के, इसमें खुशबू नहीं है, इस वाले में खुशबू है, हा? ये मीठा है, हा? ये वाला, और ये मीठा नहीं है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। खरबूज को मीठा है या नहीं ये पता करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि जैसा कि आपको ये डंठल दिखाई दे रहा होगा, ये जो डंठल है इस डंठल को आप सबसे पहले तोड़ के पेड़ से लाएंगे, जब बारी में बेल से तोड़ के लाएंगे खेत से, तो आप इसको सूंघ के देखें, अगर इसमें से खुशबू आ रही है, अच्छी महक आ रही है, तो समझ लीजिए कि ये मीठा निकलेगा, अगर इसमें से खुशबू नहीं आ रही है तो ये मीठा नहीं निकलेगा। खुशबू अच्छी है और आपको लगता है कि हाँ खुशबू अजीब, मतलब खरबूजे की खुशबू अलग आप पता चल जाती है, अगर उस तरीके की खुशबू आ रही है तो वो ज़रूर मीठा निकलेगा, अगर खुशबू नहीं है तो समझ लीजिए वो खरबूज मीठा नहीं है। यही दो तरीके हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि खरबूज मीठा है या नहीं। तो आगे से जब भी आप खरबूज परचेज करें, खरीदें कहीं से, किसी रेडी वाले से या मार्केट से, तो इन दो तरीकों से आप
पता कर सकते हैं कि खरबूज पका है या मीठा है या नहीं है। तो ये दो तरीके आप ध्यान रखें और इनको प्रयोग करके देखें। और अगर आपको लगता है कि एक बार अजमा के जरूर देखें मार्केट में, अगर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ ये तरकीब अच्छी लगी और सही है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये दोनों तरकीब है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि ये खरबूज मीठा है या नहीं है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर लगे कि हाँ ये तरकीब अच्छी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी मार्केट से अच्छा और मीठा खरबूज परचेज कर सकें, खरीद सकें, जिससे कि आपको आपके दोस्तों को कोई मतलब ख़राब खरबूज ना मिल पाए, मीठे खरबूज ही मिले, मैं ये चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching Son of Farmer. Please stay connected for next video.